हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूं और आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, 1982 में एक फिल्म आई थी डिस्को डांसर, और दिस वॉज बेसिकली द फर्स्ट टाइम कि भारत में उन दिनों डिस्को की एंट्री हो रही थी, और नन अदर देन बप्पी दा का म्यूजिक था। आपको पता है कि बप्पी दा वॉज वन ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर जो एक तरह से बॉलीवुड में डिस्को को लेके आए थे, और उन दिनों डिस्को जब आया था तो आपको पता है कि कितना तहलका मच गया था। तो दोस्तों, 1982 में ये फिल्म आई थी डिस्को डांसर, और आपको पता है दोस्तों, इस फिल्म में ऑलमोस्ट 8 गाने थे, और फिल्म में हीरो मिथुन चक्रवर्ती एंड किम एंड ओम पुरी, एंड दिस वॉज अ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी पहली बार भारत में, जिसने कि 100 करोड़ का आंकड़ा टच किया था। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि उन दिनों के हिसाब से आजकल 100 करोड़ कहा जाता है, और 1982 में जिस फिल्म ने 100 करोड़ किया हो तो वो फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट होगी। तो दोस्तों, 8 गाने थे इस फिल्म के। एक तो आपको याद है कि आई एम ए डिस्को डांसर, जो कि विजय बेनडिक्ट में जिन्होंने गाया था। उसके अलावा जिमी जिमी जिमी, ये शायद बप्पी दा का गाना था, और इस गाने में एक गाना जो था वो किशोर कुमार का था, और वो भी था जरा मुड़के मिला आंखें, ऐसे ही था। तो दोस्तों, एक गाना था ए ओ आ, याद आया। तो दोस्तों, ये गाना किशोर दा का था, और अब कहा जाता है कि ये जो एक और गाना किशोर दा का था, और वो गाना था याद आ रहा है तेरा प्यार। मतलब आप सोचेंगे दोस्तों कि ये तो बप्पी दा का गाना है। तो दोस्तों, इस गाने की भी बड़ी विचित्र कहानी है कि एक्चुअल में ये जो गाना है याद आ रहा है तेरा प्यार, ये गाना किशोर दा ने गाना था, और बप्पी दा ने सारा गाना बना रखा था, सारे गाने की तैयारी हो चुकी थी। मगर आपको पता है दोस्तों, उन दिनों जो फ्लाइट थी वो सिर्फ एक शायद एयर इंडिया थी, इंडियन एयरलाइंस, वही चलती थी, और किशोर दा को कहीं फ्लाइट से आना था बॉम्बे में, मुंबई में, और उनकी जो फ्लाइट थी वो बहुत लेट हो गई। तो बप्पी दा सारा का सारा ऑर्केस्ट्रा वेट कर रहा था किशोर दा की कि वो पहुंचेंगे और ये गाना गाएंगे। तो क्योंकि बार बार फ्लाइट डिले हो रही थी, तो बप्पी दा ने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि मामा, किशोर दा को मामा बुलाते थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करता हूँ, मामा के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा गाना इसको गा देता हूँ, और जैसे ही मामा आएंगे उनको सुना दूंगा, और रातों रात रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, इस गाने की जो क्या किया बप्पी दा ने, टाइम बचाने के लिए उन्होंने इस गाने को पूरा का पूरा गाया ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब गा दिया तो उसके बाद किशोर दा बहुत लेट हो गए थे, रात हो चुकी थी, और किशोर दा जब पहुंचे तो उनको बोला कि बप्पी दा ने बोला कि मामा ये आपका गाना है, आपको गाना है। किशोर दा ने जैसे ही वो गाना सुना तो उन्होंने कहा यार, तो बप्पी तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है ये। तो बोला मामा आपके लिए रिकॉर्डिंग किया था, मुझे था कि आप लेट हो जाएंगे तो मैं पहले ही डब करके रख देता हूँ इस गाने को, तो आप आके जो कि एक बार सुन लें और उसके बाद गाएं। मगर किशोर दा ने जब उस गाने को सुना तो उन्होंने बप्पी दा को बोला कि यार ये तो तुमने इतना अच्छा गाना गाया है, ये गाना तुम क्यों नहीं गाते हो इस फिल्म के लिए। तो बोला नहीं मामा, ये तो आपके लिए मैंने बनाया था गाना, जल्दी टाइम बचाने के लिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो किशोर दा ने उनको बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस गाने को तुम गाओ और मैं कोई और गाना गा लूंगा। तो दोस्तों, ये जो गाना था याद आ रहा है तेरा प्यार, ये किशोर दा को गाना था, मगर गाया अल्टीमेटली बप्पी दा ने। और दोस्तों, आप सोचिए कि और एक और गाना था जरा मुड़के मिला आके आया हूं मैं तेरे लिए, ये किशोर दा ने इस फिल्म के लिए गाना गाया था। तो
वो तो रिकॉर्ड हो गया था, मगर ये जो गाना था ये बप्पी दा ने अल्टीमेटली गाया, और आपको पता है कि कितना सुपर डुपर हिट हुआ ये गाना। मगर आप दोस्तों एक चीज सोचिए कि अगर इस गाने को किशोर दा गाते तो क्या होता, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्योंकि हम लोग इतने अकस्टम्ड हो चुके हैं बप्पी दा को सुन सुन के इस गाने में कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, मगर अगर किशोर दा गाते तो शायद बात ही अलग होती इस गाने की। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर किशोर दा इस गाने को गाते तो क्या होता। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ दिलचस्प कहानियां मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा अपने इस चैनल में। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों, और बने रहिएगा मेरे साथ इस मेरे चैनल में। जय किशोर दा।